हम लोग पढ़ रहे हैं द लिविंग बर्ड, और इस चैप्टर में अभी हम लोगों ने पढ़ा दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एक ग्रोथ और एक रिप्रोडक्शन। लेकिन दोनों प्रॉपर्टीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी चाहिए हमेशा, वो ये कि दोनों को, ग्रोथ को भी और रिप्रोडक्शन दोनों को, हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर करते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम लिविंग को डिफाइन कर रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने दो प्रॉपर्टीज यूज करी, एक ग्रोथ और एक रिप्रोडक्शन। दोनों के बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन नहीं कर पाए, या लिविंग को और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग की। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे किसी को लिविंग किसी को नॉन लिविंग नहीं बोल सकते हैं। तो एक तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। क्या मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे हम लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे किसी को लिविंग या नॉन लिविंग बोल सकते हैं या नहीं, इसी चीज को समझना है। तो इसको समझने से पहले एक बहुत फेमस स्टेटमेंट आपको मैं दोबारा से याद दिला रहा हूं, लाइनस पॉलिंग का। इन्होंने कहा था कि लाइफ एक सिंगल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है, लाइफ वेरियस थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन का रिजल्ट है। उन्होंने बोला था लाइफ इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वन मॉलिक्यूल, रादर इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। एक सिंगल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सारे हजारों मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, जिसका रिजल्ट क्या है, लाइफ है। तो ये स्टेटमेंट और इस टर्म को समझने के लिए आपको मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मैं बहुत डिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन से केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि अगर अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो जो केमिकल या मॉलिक्यूल अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे केमिकल या मॉलिक्यूल्स रफली कह सकते हैं कि लिविंग सिस्टम के अंदर, या कह सकते हैं हमारी बॉडी या सेल के अंदर पाए जाते हैं। कॉम्पोजिशन में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, लेकिन रफली कॉम्पोजिशन भी क्या होता है, सेम होता है। वो अलग बात है कि अर्थ क्रस्ट में इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन और लिविंग सिस्टम यानी सेल के अंदर ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ज्यादा होता है, वो डिटेल स्टडी बायोमोलिक्यूल में करेंगे हम लोग। यानी आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि जो अर्थ क्रस्ट में है वो हमारी बॉडी के अंदर है। ऐसा क्यों, आपको पता है कि रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल या न्यूट्रिएंट, सॉइल से प्लांट, प्लांट से हर्बीवोर, उसे कॉर्निवोर, कॉर्निवोर से ओमनीवोर, और अल्टीमेटली डेथ के बाद वो सॉइल मिक्स हो जाना है। डेथ इसीलिए जरूरी भी है, और ओवरक्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो ये हमको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल और केमिकल्स क्या है, और हमारी बॉडी में कौन कौन से पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में जो प्रेजेंट है उनको नॉन लिविंग बोल पा रहे हैं, और उनको सिंपली हम केमिकल या मॉलिक्यूल बोल देते हैं। और वही जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको हम लोग बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। और ये सारे बायो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्शन यानी कह सकते हैं इंटर कन्वर्जेंस, चेंज होते रहते हैं एक दूसरे में। सिंपल फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कह सकते हैं मोनोमरिक फॉर्म पॉलीमरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जरूरत पड़ने पर टूट भी जाता है, यानी इनका टर्नओवर होता है। और यही जो इंटरैक्शन है या इंटर कन्वर्जन है, इंटरैक्शन है, इसी इंटरैक्शन का रिजल्ट है लाइफ, लाइनस पॉलिंग ने कहा। अब तुम बोलोगे कि सर आपने पूछा था लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफरेंशिएट करें, तो मैंने सरल भाषा में आपको बता दिया था कि जो चलते फिरते हो मूवमेंट है लोकोमोशन, जो खाते पीते हो न्यूट्रिशन, जो सांस लेते हो ब्रीदिंग, जो इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, जिनके पास सेंसिटिविटी है उनको लिविंग बोलेंगे, जिनके पास नहीं होगी उनको नॉन लिविंग बोलेंगे। तो आपने कहा था कि हमें इन बातों में मजा नहीं आ रहा है, और आप कह रहे हैं बहुत सारे केमिकल जो अर्थ क्रस्ट में है वो लिविंग सिस्टम के अंदर है, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और इनके इंटरैक्शन का रिजल्ट जो है उसको लाइफ बोलते हैं। सर इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो मैं एक मजेदार बात बताता हूं आपके लिए, आपकी भाषा में, जिसे आप लोग
गर्मी की छुट्टी होती है तो मामा के यहाँ चले जाते हो, नानी के यहाँ चले जाते हो, मौसी के यहाँ चले जाते हो, दादी के पास चले जाते हो। जब वहां से वापस लौटते हो तो आपको पैसा दिया जाता है। आप मना करते हो क्योंकि मम्मी ने बोला बेटा पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन मन तो करता है अरे दे दो, जितना दे दो रख लेंगे हम। तो मान लो सब जगह से लौटते टाइम तुम्हें कुछ कुछ पैसे मिले, तुम करते क्या हो, उसको इकट्ठा कर लेते हो, रख लेते हो। मान लो तुम्हें 1800 रुपये मिले मौसी के यहाँ, मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, दादी सबसे मिला करके, तुम घर चले आओगे तो मम्मी से भी छुट्टा पुट्टा मिलता रहता है 10-20 रुपये, तो तुम क्या करोगे, उसको भी इकट्ठा करते जाओगे, इकट्ठा करते जाओगे। जिस दिन तुम्हारे पास मान लो 2000 रुपये हो गए, तुम मम्मी से धीरे से बोलते होगे या बोला होगा तुमने कि मम्मी 2000 रुपये छुट्टा है हमारे पास, नोट दे दोगी क्या? मम्मी के पास अगर होगा तो कह देंगे लाओ दे देती हूँ। तो तुमने क्या किया कि ये 100-100 रुपये, 200-200 रुपये, 10-10 रुपये इकट्ठा करके 2000 रुपये की नोट बना के रख लिया अपने पास, सेव कर लिया मेहनत करके, एनर्जी खर्च करके। कहां से सीखा तुमने ये? तुम हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, जो चीजें हैं वो सब सराउंडिंग से सीखते हैं, सारी बातें यानी नेचर से सीखते हैं। तो लिविंग सिस्टम के अंदर यानी सेल के अंदर भी यही होता है, छोटी छोटी जो चीजें हैं यानी कह सकते हैं ये जो सिंपल स्मॉल सब्सटेंसेस हैं ये चेंज होते रहते हैं या ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सब्सटेंस को सिंथेसाइज करेंगे। जैसे तुमने 10-10 रुपये, 100-100 रुपये इकट्ठा करके 2000 रुपये बना लिया, वैसे सेल भी करती है, लिविंग सिस्टम के अंदर भी होता है। सिंपल फॉर्म को ऑर्गेनाइज करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या कर लिया जाता है, कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब 2000 रुपये तुम्हारे पास है, रखे हो उसको, मम्मी 150, 10, 20 जो दे रही है उसको खर्च कर लो, अपना 2000 सेव करके रखे हो। कोई तुमसे मांगता भी है तो तुम नहीं देते हो उसको, अरे नहीं खर्च हो जाएगा अगर नोट तोड़वा देंगे तो। अब मान लो आज तुम्हें कहीं जाना है, किसी से बात कर रखी तुमने कि आज तुम्हें घुमाने वाला हूं मैं, स्कूटी लेके निकल गए, हो सकता है सामने वाले की स्कूटी हो, तुम्हारे पास ना हो तो। अब तुम टहल रहे हो, पूरे शहर का चक्कर लगा रहे हो चारों तरफ गोल गोल घूम के, पेट्रोल खर्च हो गया मान लो, अब तुम अपनी बेइज्जती तो कराओगे नहीं, पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास छुट्टा। तो इसी दिन के लिए तुमने 2000 रुपये की नोट इकट्ठा की थी, विश्वास करो मेरा, और अब तुम नोट तोड़वा दोगे, अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दोगे। यानी जब तुम्हारे सर्वाइवल पे खतरा है, तुम्हें जब काम पड़ा पैसे का, तो उस काम के लिए तुमने अपने जो भी एनर्जी खर्च करके इकट्ठा किया था, स्टोर किया था, उसको क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। ये भी हम अपने नेचर से ही सीखते हैं, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है सेल, इसको सिंपलर फॉर्म में या स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जरूरत पड़ने पे। जैसे तुमने 2000 रुपये की नोट तोड़वा दी थी, तो अगर समझ में आ रहा हो तो तुमने 10-10 रुपये, 100-100 रुपये इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगाई थी, बहुत एनर्जी खर्च करी थी। तो सेल भी सिंपल फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी खर्च करेगी, यानी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस हो गई है। जब तुमने 2000 रुपये की नोट उठवाई थी तो कुछ एनर्जी यूटिलाइज किया था, तो सेल भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ेगी जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे तुम्हें सर्वाइवल के लिए इंडिया में सर्वाइव करो तो इंडियन करेंसी की जरूरत पड़ रही है, वैसे सेल को अपने सर्वाइवल के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसे तुम्हें इंडियन करेंसी की जरूरत है, उसको सेल को अपनी करेंसी की जरूरत होगी सर्वाइवल के लिए। तुम्हें काम पड़ा तो तुम्हें काम करने के लिए वो करेंसी चाहिए, तो सेल को काम करने के लिए या सेल के सर्वाइवल के लिए इवन उसको अपनी करेंसी चाहिए। और सेल की एनर्जी या सेल की करेंसी को क्या बोलते हैं, ATP, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सिस्टम बोलते हैं उनको। अब यही दो कैटेगरी है हमारे पास, जो इंटरेक्शन लाइनिस पॉलिंग जिनकी इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं बॉडी के अंदर, वो इंटरेक्शन या तो इस कैटेगरी के हो सकते हैं, यानी हमारे पास एक कैटेगरी ये है, या तो वो इंटरेक्शन इस कैटेगरी के हो सकते हैं, यानी या तो उन इंटरेक्शन के थ्रू चीजें टू सिंथेसाइज हो रही होंगी, या तो उन इंटरेक्शन के थ्रू चीजें टूट रही होंगी।
यानी कह सकते हैं कि सेल के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है या केमिकल कन्वर्जन हो रहा है, उन बायोकेमिकल रिएक्शन में या तो चीजें ऑर्गेनाइज हो रही होंगी, सिंथेसाइज हो रही होंगी, या तो चीजें ब्रेक हो रही होंगी, ब्रेकिंग डाउन हो रहा होगा। इन्हीं दोनों कैटेगरी की वो बायोकेमिकल रिएक्शन होगी, या तो बनेगा या तो टूटेगा। तो जितनी भी रिएक्शन इस कैटेगरी की है, पहली वाली कैटेगरी यानी जिसमें सिंथेसिस हो रही है, किसका? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का। इन सारी की सारी रिएक्शन यानी ऑल द सिंथेटिक रिएक्शन और ऑल द बिल्डिंग ऑफ रिएक्शन, इन सब को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन या फिर इसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। और ये जो कैटेगरी है, सारी की सारी रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन जिनमें चीजें टूट रही होंगी, यानी ऑल द ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन, ये कह सकते हैं जिसमें चीजों का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, किसका? कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, सिंपल सब्सटेंसेस में, इन सारी की सारी ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म। बहुत सिंपल टर्म में आपको हमने बताया कि जितनी रिएक्शन जिसमें चीजें सिंथेसाइज हो रही हैं, ऑल द बिल्डिंग ऑफ रिएक्शन और ऑल द सिंथेटिक रिएक्शन, इन सब रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिज्म। और चीजें जिसमें टूट रही होंगी, सो ऑल द ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिज्म। और इस एनाबॉलिज्म और इस कैटाबॉलिज्म को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी जितनी टूटेंगी रिएक्शन में, यानी ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शन, सिंथेटिक और बिल्डिंग ऑफ रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म। अब एनसीईआरटी क्या करी है? एनसीईआरटी तो होशियार किताब है। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अ सेल, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सिंपल तो है, हमने आपको बताया कि या तो बायोकेमिकल रिएक्शन इस कैटेगरी की होंगी, या तो इस कैटेगरी की होंगी, या तो चीजें सिंथेसाइज हो रही होंगी, या तो उनका ब्रेकडाउन हो रहा होगा। अगर इस कैटेगरी की होंगी तो उनको एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म, और इस कैटेगरी की होंगी तो उनको कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगी? सारी रिएक्शन, उसी को क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। तो हो तो गया, सम टोटल तो हो गया। यानी कह सकते हैं सिस्टम के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर या सेल के अंदर जितनी रिएक्शन हो रही है, सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इनसाइड अ सेल, इसी को बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं आप, एनाबॉलिक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर के ग्रीन प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो C6H12O6 ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, और फिर कई सारी यूनिट को जोड़ करके स्टार्च के फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं। तो यही तो हो गया, सिंपल फॉर्म को कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर कर लिया। और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस रिएक्शन में, क्योंकि इस रिएक्शन में पड़ रही थी। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम, आप लोग छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, क्या होता है? सन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनाना, फोटो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जितनी सिंथेटिक रिएक्शन हो गई वो कौन सी हो गई? एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म। अब मान लो प्लांट प्रोड्यूसर होता है, स्टार्च बनाया, हमने खाया,
तो हम क्या करते हैं, हमारे सेल तो यूटिलाइज कर नहीं पाएंगे स्टार्च को इस फॉर्म में, उसको तोड़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस एंजाइम, इसको बोलते हैं डाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, डाइजेशन। यानी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी वो इस कैटेगरी में आ गया, ब्रेकिंग डाउन वाले में आ गया, ब्रेक डाउन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म का। तो डाइजेशन एक प्रोसेस हो गई जिसमें ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, और एक दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। जैसे मान लो ये एक सेल है, ये एक ब्लड वेसल है, ये कोई ब्लड वेसल है, और यहां पे मान लो ये कोई सेल है, और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है, अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसका नाम लेना जरूरी हो जाता है, दैट इज पावर हाउस ऑफ सेल। इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो फूड को एब्जॉर्ब किया है आफ्टर डाइजेशन, ब्लड वेसल प्रेजेंट है, और ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन और फूड को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना टू द टिश्यू। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ये ग्लूकोज यहाँ आ गया, अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन चली आएगी अपने पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करके। यानी ग्लूकोज आ गया और का ऑक्सीजन आ गया, और आपको पता है इसको पाइरुवेट में तोड़ दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में इसमें आ जाएगा, और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा, और ढेर सारी क्या रिलीज होगी, एटीपी, और इसी एटीपी की क्या है, रिक्वायरमेंट है हमको। अभी हमने आपको बताया था कि सेल के सर्वाइवल के लिए, सेल के फंक्शनिंग के लिए उसको अपनी करेंसी की जरूरत पड़ेगी, जैसे तुम्हें अपनी करेंसी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी करेंसी लिविंग सिस्टम का सेल का क्या है, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन के थ्रू क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर ये एटीपी और ये मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक कन्वर्जेंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इनसे लाइफ को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो लाइफ है या जो लिविंग सिस्टम है, या सिंपली हम कह सकते हैं जो जिंदगी की जद्दोजहद है, वो इस एटीपी पे डिपेंड करती है, या कह सकते हैं यही लाइफ है, या इसी के वजह से लाइफ है कह सकते हैं। आप लोग एक टर्म सुने होंगे होम्योस्टासिस, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। होम्योस्टासिस क्या है, एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल स्टेडी स्टेट, इंटरनल कांस्टेंट स्टेडी स्टेट इन स्पाइट ऑफ एवर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट। बाहर का एनवायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, कभी टेम्परेचर कम कभी ज्यादा, लेकिन हमारी बॉडी का तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। हम चाहे साफ पानी में नहा रहे हो, चाहे नमकीन पानी में नहा रहे हो, हमारी बॉडी का तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वही रहता है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर के लिए अगर बात कर रहा हूँ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है, काफी हद तक वो अपने इंटरनल कांस्टेंट या इंटरनल स्टेडी स्टेट को, कांस्टेंट स्टेट को एक जैसा मेंटेन कर लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि हाँ, बाहर के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर, कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा। एक फिजिक्स की बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप इसको सीखते हो कि कोई भी सिस्टम तब तक वर्क करता है, तब तक उसमें वर्क डन होता है जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। जैसे सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करता है वैसे ही वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं मजेदार बताऊंगा आपको कि चाहे नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करता रहता है, हमेशा लगातार किसी भी सिस्टम को, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की, कह सकते हैं इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, के इक्विलिब्रियम में जाने के लिए, या इक्विलिब्रियम में जाने की कह सकते हो स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी होती है, लिविंग सिस्टम हो चाहे नॉन लिविंग सिस्टम हो, मैं बोल रहा हूं।
जैसे आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है दुनिया की सारी चीजें अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने की स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी रखती हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे कोई स्पेसिफिक गैस हो, चाहे हीट हो, चाहे टेम्परेचर हो, कुछ भी हो। जैसे मैं बात कर रहा हूं, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और यहां पे मान लो कोई इमेजिनरी पार्टीशन है, और हमने आपको बताया कि यहां पे किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे कम है, तो चीजें यहां से यहां मूव करने की स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी रखती है। कोई भी चीज, ऑक्सीजन यहां पे ज्यादा है तो इधर मूव करेगी, हीट यहां पे ज्यादा है तो इधर मूव करेगी, यानी कह सकते हैं कि कोई भी चीज हो वो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करने की स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी रखती है, और तब तक मूवमेंट होता रहता है जब तक कि दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाता कॉन्सेंट्रेशन। यानी यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन, दो पॉइंट के बीच में क्या आ गया, डिफरेंस, और डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, और इसी डिफरेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश हमेशा चलती रहती है, चाहे लिविंग की बात कर रहा हूं मैं, चाहे नॉन लिविंग की बात कर रहा हूं, हम लोग भी डिफरेंसेस को मिनिमाइज करते रहते हैं हमेशा, नॉन लिविंग ही नहीं, हम लोग भी मिनिमाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई बड़ा आदमी है उसके जैसा बनना चाहते हैं, हमारे पास टू व्हीलर है, बाइक है, किसी का मैंने फोर व्हीलर देखा तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरे पास भी फोर व्हीलर होना चाहिए, यानी मेरे और उसके बीच में जो डिफरेंस है वो खत्म हो मैं चाहता हूँ, और हर इंसान ये चाहता है जिसे नॉन लिविंग हाई टू लो मूव करने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज हाई टू लो मूव करने की टेंडेंसी रखती है, स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी रखती है। वैसे मैं लिविंग की बात करूं अगर, तो डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश लिविंग भी कर रहा, जैसे कि यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, तो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगी, और उतना ही मूवमेंट होगा, उतना ही रेट ज्यादा होगा मूवमेंट का जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ग्रेडियंट होगा, जैसे जैसे डिफरेंस है ग्रेडियंट कम होने लगेगा मूवमेंट की रेट भी कम हो जाएगी, और जैसे ही डिफरेंस खत्म वैसे मूवमेंट रुक जाएगा, अगर नॉन लिविंग की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है, नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है, सॉरी लिविंग में ऐसा नहीं होता। हमने आपको बताया कि मान लो यहाँ पे कोई गैस ज्यादा है यहाँ पे कम है, तब तक मूव करेंगे गैस के पार्टिकल जब तक कि दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन उस गैस के लिए इक्वलाइज नहीं हो जाता, मूवमेंट रुक जाएगा। यानी कह सकते हैं जैसे ही इक्वल कॉन्सेंट्रेशन आ गया उस स्टेट को मैंने अगर बोला इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे मूवमेंट रुक गया, यानी वर्क डन क्या हो गया, जीरो, वर्क डन क्या हो गया, जीरो। लिविंग सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, लिविंग सिस्टम के अंदर वर्क डन जीरो मतलब डेथ, लिविंग सिस्टम के अंदर वर्क डन जीरो मतलब डेथ। लेकिन अभी आपको हमने बताया कि लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो इक्विलिब्रियम में जाने की स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी रखता है, और अगर लिविंग जो है इक्विलिब्रियम में चला गया, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया, इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, इक्विलिब्रियम में पहुंचते ही लिविंग सिस्टम का वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर यही प्रोसेस लिविंग सिस्टम के अंदर हो रही होगी तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे भी अगर एक पार्टिकल इधर से इधर जाएगा तो एक पार्टिकल इधर से इधर आएगा। इक्विलिब्रियम तो होती है लिविंग सिस्टम के अंदर, लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है, ना कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है अगर होती भी है तो, यानी वर्क डन चलता रहता है, इक्वल पार्टिकल्स का मूवमेंट होते रहते हैं दोनों साइड। अगर एक पार्टिकल यहां से यहां गया तो एक पार्टिकल यहां से यहां जाएगा, नेट मूवमेंट जीरो रहेगा, नेट मूवमेंट हमने कहा जीरो रहेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम होगी भी तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगी, यानी कह सकते हैं कि वर्क डन जीरो नहीं है, और वर्क डन जीरो नहीं है तो कोई ना कोई काम हो रहा है, और अगर काम हो रहा है तो लाइफ है, इसका मतलब फंक्शन हो रहा है तो लाइफ है। और ये जो जिंदा रहने की जद्दोजहद है हमने आपको बताया अभी, वो इस इक्विलिब्रियम में ना जाने देने की है, ध्यान से समझिएगा। हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और अगर इक्विलिब्रियम में पहुंच गया तो वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो मतलब डेथ। और हमने आपको बोला कि जिंदा रहने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में ना पहुंचने देना, तो लिविंग सिस्टम इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करता रहता है, और एनर्जी को खर्च करके लिविंग सिस्टम में जाने, इक्विलिब्रियम में जाने से लिविंग सिस्टम रोकता रहता है। यानी कह सकते हैं कि अगर स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी है तो उसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। हाई टू लो मूवमेंट होना है तो विदाउट एनर्जी होगा,
यानी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस नहीं है ये, क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये। तो अगर उसका उल्टा करेंगे हम तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, यानी हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश कर रहा है बार बार, और इक्विलिब्रियम में अगर पहुंच गया तो वर्डन जीरो यानी डेथ, और स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी मतलब बिना एनर्जी खर्च किए जाने की कोशिश कर रहा है, एनर्जी को खर्च करके क्या कर रहे हैं हम उसको इक्विलिब्रियम में जाने से रोक रहे हैं। जब तक एनर्जी को खर्च करके इक्विलिब्रियम में जाने से लिविंग सिस्टम को रोक रहे हैं तभी तक इक्विलिब्रियम में वो नहीं जा पाएगा, तभी तक वर्क डन है। जिस दिन एनर्जी खत्म उस दिन सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में आते ही वर्क डन जीरो यानी डेथ। और अभी हमने आपको बताया कि ये एनर्जी जो है इसी एनर्जी को खर्च करके हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में जाने से रोकते रहते हैं, यानी हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बैठे भी हैं अगर रेस्ट कर रहे हैं कंप्लीटली तब भी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज सिस्टम इक्विलिब्रिएट हो जाएगा और वर्डन जीरो हो जाएगा, पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एटीपी है ये फंक्शनिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कम से कम जिंदा रहने के लिए भी क्या है, ये जरूरी है। और उतनी एनर्जी जो हमको लिविंग रखने के लिए यानी हमारी लाइफ को सेव करने के लिए जरूरत है, यानी कि उतनी एटीपी जो सिर्फ जिंदा रखने के लिए जरूरी है, वो जिस मेटाबॉलिज्म से बन रही है, जिस मेटाबॉलिक रेट से बन रही है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। क्या बोलते हैं उसको, बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एटीपी की जरूरत है हमको, एटीपी की रिक्वायरमेंट है हमको, और एटीपी कहां से बन रही है, इस रिएक्शन से, और इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, और कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी तब जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगा तभी तो टूटेगा, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगा जब ये रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म, यानी एनाबॉलिज्म होगी तभी कैटाबॉलिज्म होगी, और सबको सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। यानी कह सकते हैं कि एटीपी तभी तक है जब तक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, जब तक मेटाबॉलिज्म है। तो हमें अपने आप को कहा कि एटीपी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश कर रहा है, और इक्विलिब्रियम में गया तो वर्डन जीरो, हम उसको बार बार रोक रहे हैं, और जब तक रोक पाएंगे तभी तक लाइफ है, और तभी तक रोक पाएंगे जब तक एटीपी है, और एटीपी तभी तक है जब तक मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी के अंदर, यानी जब तक इंटर कन्वर्जेंस या इंटरैक्शन हो रहा है बायोमोलिक्यूल्स का बायोमोलिक्यूल से, यानी केमिकल्स के बीच में। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि क्यों मैं बात कर रहा हूँ, या कह सकते हैं कह सकता हूँ कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों ये स्टेटमेंट लाइनस पॉलिंग का इतना ज़्यादा फेमस है या इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट या वेरियस मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है लाइफ, या उसका रिजल्ट है लाइफ। और अगर हम किसी एक रिएक्शन की बात करें, यानी मैं अगर एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं, या कह सकता हूं कि अगर मैं इन विट्रो और इन वीवो का मतलब समझ लीजिए पहले। इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द सेल। और इन विट्रो, जो विट्रो वर्ड है ये डिराइव्ड है विट्रस से, और विट्रस का मतलब होता है ग्लास, यानी हम इस जैसे किसी बर्तन में अगर रिएक्शन करा रहे हैं, ग्लास का बना है छोटा सा पाइप होता है टेस्ट ट्यूब, यानी कि हम लैब में इस टेस्ट ट्यूब में, इस ग्लास में, ग्लास का मतलब होता है विट्रस, यानी इन विट्रो कोई आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन करा रहे हैं। ध्यान से इसको कनेक्ट करिएगा, हमने आपको बोला कि इस ग्लास जैसे बर्तन में, और इसके लिए विट्रस वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी इन विट्रो कोई आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लिविंग भी नहीं बोलेंगे, इसको नॉन लिविंग भी नहीं बोलेंगे। ये रिएक्शन जो है सिर्फ एक लिविंग रिएक्शन है, या कह सकते हैं एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, ना कि लिविंग ना कि नॉन लिविंग। हमने आपको बताया कि अगर कोई आइसोलेटेड इन विट्रो रिएक्शन है, विट्रस या ग्लास में, या कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब में कराई जा रही है,
तो वो जो आइसोलेटेड रिएक्शन है, इन विट्रो का मतलब होता है कंट्रोल्ड कंडीशन में, तो वो रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं बोली जाएगी, या कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक सिंगल आइसोलेटेड रिएक्शन है। अभी हमने आपको बताया सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। तो ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो है, टेस्ट ट्यूब में है, ये लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, ये एक लिविंग या बायोलॉजिकल रिएक्शन है। इसलिए लिविंग रिएक्शन है क्योंकि ये लिविंग रिएक्शन के सिमिलर अगर हम करा रहे हैं तो, लेकिन इसको मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं बोलेंगे। यानी अगर हम उसी रिएक्शन को जो सिस्टम लिविंग सिस्टम या सेल के अंदर हो रही है उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में इन विट्रो करा रहे हैं किसी ग्लास बर्तन में, टेस्ट ट्यूब में, तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं है। यानी मेटाबॉलिज्म वर्ड हम तब यूज करेंगे जब वो लिविंग सिस्टम के अंदर हो रही है, इसलिए क्योंकि थाउजेंड ऑफ रिएक्शन साइमेंटेनियसली अगर होती है हमारी बॉडी के अंदर, हजारों रिएक्शन एक साथ हो रही होती हैं, कन्वर्जेंस, ब्रेकिंग डाउन, सिंथेसिस, ये हजारों लाखों रिएक्शन एक साथ हो रही होती हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि लैब में ऐसा कराया जा सके। इसीलिए लैब में लाइफ को नहीं क्रिएट कर सकते। हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड, इवन कैन नॉट बी डिफाइंड इन अ सिंगल सेंटेंस। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉन लिविंग में नहीं हो सकता, इन विट्रो नहीं हो सकता, तभी हो सकता जब लिविंग की बात कर रहे हैं। यानी दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ लिविंग में हो रहा है, सिर्फ लिविंग में हो रहा है, और नॉन लिविंग में नहीं हो रहा है, किसी भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं होता, और सारे लिविंग में मेटाबॉलिज्म होता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी की जरूरत तो सबको पड़ेगी ना, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटिस्टा का मेंबर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे फंगाई हो, चाहे हायर एनिमल हो, सबको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी लाइफ को सेव करने के लिए, इक्विलिब्रियम में जाने से रोकने के लिए। तो सब में क्या होता है, फ्रॉम अ सिंपल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल टू कॉम्प्लेक्स हायर एनिमल, सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी सब में मेटाबॉलिज्म होगा, सब में मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगी। तो अब बात आती है कि क्या हम मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर्टी बोलेंगे या फिर इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मेटाबॉलिज्म को विदाउट एनी एक्सेप्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि हर एक लिविंग सिस्टम के अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट है, और एटीपी तभी है जब क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, और लाइफ तभी है जब क्या है, एटीपी है। और एक आइसोलेटेड रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं बोल रहे हैं, आउटसाइड द लिविंग सिस्टम रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म नहीं बोल रहे हैं, वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग नहीं है, सिर्फ वो एक लिविंग रिएक्शन है। तो मेटाबॉलिज्म किसी नॉन लिविंग में नहीं है, सारे लिविंग में है। तो यही तो होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, इट मस्ट बी एप्लीकेबल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, और सिर्फ कहां पे प्रेजेंट हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तब तो बोलेंगे जब वो लिविंग में हो और सारे लिविंग में एप्लीकेबल हो। तो अभी हमने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिल रहा है, यानी विदाउट एनी एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने ड्राइव कर रहा हूं कि मेटाबॉलिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर बीइंग लिविंग। मेटाबॉलिज्म को हम बिना किसी एक्सेप्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन के बेसिस पे, मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो तीन प्रॉपर्टी पढ़ा हमने, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और मेटाबॉलिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मैंने आपको ये बात बताई, एक बार इसको रिवाइज करिए अच्छे से।